नमस्कार। समाधि। परमेश्वर से एकरूप होने के लिए योगी पुरुष समाधि लगाकर बैठते हैं। अद्वैत अवस्था पाने के लिए ये सभी प्रयत्न होते हैं, परंतु समाधि भंग हुई कि वो फिर से जगत से एकरूप हो जाते हैं और द्वैत फिर से प्रस्थापित हो जाता है। ऐसा ना हो इसलिए कुछ योगी कई सालों तक समाधिस्थ रहते हैं, तो कुछ योगियों ने शतकों तक समाधि लगाई, ऐसे कई उल्लेख आध्यात्मिक वांग्मय में पाए जाते हैं। हम जिसे ज्ञात है वो यही समाधि है। कुछ देर आंखें बंद करके बैठने पर किसी भी व्यक्ति को सुकून मिलता है, पर संत इसे समाधि नहीं कहते। एकनाथ महाराज कहते हैं, ताटस्थ नाव समाधि मणे त्याची ठकली बुद्धि। तो असली समाधि क्या है? आंखें खुली रखकर समाधिस्थ हो सकते हैं क्या? ये जानेंगे महान योगी राज सदगुरु श्री वामन राव जी पई से। सदगुरु जी सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और संजीवन समाधि, इनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, पर असली समाधि यानी क्या, ये कृपया आप बताइए। समाधि का जो विषय है ना, और इस शब्द का अनेक स्थानों पर अनेक तरीकों से प्रयोग किया जाता है। अब किसी एकाद संत ने या साधु ने कहिए समाधि ली, ऐसा क्या हम कहते हैं? समाधि ली यानी उसका देह विसर्जित हुआ है, ये उसका सही मतलब है, उन्होंने समाधि ली। कुछ लोग जीवित रहते हुए समाधि लेते हैं, वो एक भिन्न प्रकार है। उसमें वो कुछ ऐसे शंख लगाते हैं यहाँ पर और ऐसे मारते हैं और उसे समाधि, उसे जीवित समाधि कहते हैं, वो एक प्रकार है। अब जनरली समाधि जिसे हम कहते हैं, वो समाधि यानी हमारा जो मन है, वो मन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मन अपने स्वरूप में यानी सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन कर देना, ये भी समाधि का एक प्रकार है। उनमें से सविकल्प और निर्विकल्प ऐसे दो भाग हैं। इस सविकल्प में मैं का भान होता है और निर्विकल्प में मैं का भान नहीं होता, ये इन दोनों का फर्क होता है। अब ये समाधि जिसे हम कहते हैं, उस समाधि का एक अभ्यास होता है, उसका विशिष्ट तरीके से अभ्यास करना होता है। अब भिन्न भिन्न अभ्यास है। अब प्राण हमारा जो है, उस प्राण को मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र में ले जाकर उसे वहां स्थिर करना, यह एक प्रकार है। इसे समाधि यानी हठयोग की समाधि। इसके विपरीत मन को मस्तिष्क में ले जाकर अंतराकाशी नेवुने स्थिर करी, ऐसा कहा है रामदास स्वामी ने। सर्व इंद्रिया मधुन एकवटी मन अंतर आकाशी नेवुन स्थिर करी। तो उस जगह ले जाकर मन को स्थिर करना, ये ध्यान योग का प्रकार है। अब ये ध्यान योग का प्रकार और पहले बताया था वो हठ योग का प्रकार, इन दोनों को अट्टहास से करना होता है। जो कुछ करना है वो अट्टहास से करना होता है, इसलिए उसके लिए समाधि लगाना इस शब्द का उपयोग करते हैं हम। तो समाधि लगाना और समाधि लगना, ये दोनों भिन्न बातें हैं। तो इस समाधि को लगाने का जो प्रकार है वो संतों का अमान्य है, इसलिए उन संतों ने उसकी थोड़ी उपेक्षा की है। ताटस्थ नाव समाधि मणि त्याची ठकली बुद्धि, ऐसा कहा है। ताटस्थ नाव समाधि मणि त्याची ठकली बुद्धि, यानी समाधि में कठोरता आ जाती है, और ये जो कठोरता है वो संतों को अमान्य है। संतों को मान्य क्या है? संजीवन समाधि संतों को मान्य है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो ताटस्थ समाधि जो है, ये समाधि जीवन विद्या को मान्य नहीं है। अब मजे की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे समाधि लगाकर बैठते हैं सालों तक। श्री गोंदवलेकर महाराज के चरित्र में एक ऐसी बात है जिसे आश्चर्यकारक भी कह सकते हैं। उसमें एक साधु रामावतार का आगमन होगा इसके लिए समाधि लगाकर बैठता है। रामावतार हो गया, कृष्णावतार भी हो गया, और कलयुग में गोंदवलेकर महाराज कहीं हिमालय में गए थे, वहां यह साधु बैठा था समाधि लगाकर।
उसे गोंदवलेकर महाराज ने जगाया। जागने के बाद उसने पूछा, रामावतार हो गया क्या? वो तब से बैठा था। हाँ, उन्होंने कहा रामावतार हो गया, कृष्णावतार हो गया, अब कलयुग शुरू हो गया। चालू है, कलयुग चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस तरह की जो समाधि लगाकर बैठते हैं, इसमें काफी बार कितना यानी पूर्ण सत्य है या सुनी हुई बातें हैं, पर हमें उसमें से सिर्फ इतनी बात समझनी है कि लोग समाधि लगाकर काफी समय तक बैठते हैं, समझे? तो समाधि का यह प्रकार जीवन विद्या को अमान्य है। जीवन विद्या को मान्य है संजीवन समाधि, संजीवन समाधि, या उसे हरि की समाधि भी कहते हैं। समाधि हरि ची न साधे द्वैत बुद्धि, समाधि हरि ची समसुके वीण न साधेल जान द्वैत बुद्धि, ऐसा हरिपाठ में कहा गया है। और अंत में कहा है, निवृत्ति देवी ज्ञान ते प्रमाण संजीवन हरिपाठ, ऐसा कहा गया है। समाधि संजीवन हरिपाठ, ये जो समाधि संजीवन कहा है ना, यह संजीवन समाधि, इसे जीवन विद्या मान्य करती। अब संजीवन समाधि यानी क्या? कि समाधि में, समाधि यानी समधि, धी यानी बुद्धि, बुद्धि को हरि से यानी ईश्वर से एक रूप करना यानी समाधि। अब इस बुद्धि को हरि से एक रूप करना हो तो उसके लिए फिर साधना करना जरूरी है, साधना के बिना यह नहीं हो सकता। अब ये जो साधना दो प्रकार की होती है, एक अव्यक्त से समाधि की साधना और एक व्यक्त, व्यक्त में जो परमेश्वर भरा हुआ है उससे समाधि की साधना, इन दोनों स्थानों पर आपका समाधि लगा पाना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? अब अव्यक्त में जो समाधि लगानी है उसमें काफी कष्ट होते हैं। योग का वो मार्ग है, ये काफी कष्ट भरा मार्ग है, तकलीफ भरा मार्ग है, टाइम कंज्यूमिंग जिसे कहते हैं, यानी उसे काफी समय लगता है और इतना करने के बाद भी साध्य प्राप्त होगा ऐसी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो मार्ग ही कठिन है। ऐसा स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है ज्ञानेश्वरी में, योग मार्ग धरु नका कष्ट उरतिल जेका, यानी अगर आप योग मार्ग पर चलेंगे तो आपके हिस्से में केवल कष्ट ही आएंगे, ऐसा कहा गया है। दूसरी तरफ ऐसा कहा है, योगाचिया वाटा गेले जे सुभटा तया दुखाचा शेलवटा भाग आला, यानी उनके हिस्से में क्या आया? शेलवटा यानी दुख के सिवा कुछ भी नहीं आया, उनके हिस्से में केवल दुख ही आए जो योग मार्ग पर चले उनको। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि योग मार्ग पर आप मत चलिए, वो हमारा मार्ग नहीं है, और गृहस्थाश्रमी के लिए तो ये मार्ग बिल्कुल नहीं है। आज मजे की बात यह है कि जिसे देखो वह इसी मार्ग पर चलता है, और इस मार्ग पर जाने का उनका मुख्य हेतु यह है कि उन्हें लगता है कि इस मार्ग पर चलेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि उनकी प्राप्ति हो गई तो हम चमत्कार कर सकेंगे, और चमत्कार करने पर हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, धन प्राप्त होगा, यानी किसी न किसी हेतु से वे इस मार्ग पर चलते हैं और अंत में वे फंस जाते हैं। उन्हें कष्ट, पहले जैसे बताया, उनके भाग में केवल कष्ट ही आते हैं। अब ये जो योग मार्ग है वो गृहस्थाश्रमी के लिए बना ही नहीं, इवन सन्यासी भी इस मार्ग पर नहीं चल पाते, इतना वो कठिन मार्ग है, समझे? अब ये जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है, उसका कारण क्या है कि मन को बलपूर्वक स्थिर करना स्वरूप की जगह है। ये बात कितनी कठिन है, मतलब एक जगह अर्जुन ने कहा है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, यानी हवा को वश में करना जितना कठिन है वैसे ही इस मन को वश में करना कठिन है, क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना, आप देखिए एक ही क्षण में कितने विचार आते हैं, एक ही क्षण में, और आप उसके लिए वृत्ति रहित होना जरूरी है, थॉटलेसनेस, और यदि थॉटलेस आपको होना है, वृत्ति रहित होना है, तो ये काम आसान है क्या? ये आसान काम नहीं है, सांसारिक मनुष्य के लिए कैसे संभव है? जैसे ही वो ध्यान करने बैठेगा वैसे सारे गृहस्थी के विचार आ जाएंगे। सही है। और आपको मजे की बात बताता हूँ कि वैसे आपके मन में कोई भी अनिष्ट विचार नहीं आएंगे, पर आप जैसे ही ध्यान लगाकर बैठे सारे बेमतलब के विचार आने लगेंगे।
मन मन चिंती ते वैरी न चिंती, वैसे ही बुरे सभी विचार बराबर आप सब ध्यान लगाते हैं तभी आते हैं। इसलिए ध्यान का ये जो प्रकार है, ये प्रकार जीवन विद्या को अमान्य है। पहले मैंने क्या कहा कि जीवन विद्या में ध्यान ये प्रकार ही नहीं, अनुबोध ये प्रकार है, समझे? अनुबोध, ईश्वर को अनुभव करना, हमारे हृदय में जो ईश्वर है उसे अनुभव करना, और ये अनुबोध का जो अभ्यास है वो बहुत अनोखा है। उसका वर्णन किया है संतों ने। संत रामदास बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत आसान सरल शब्दों में, पावे अपना से अपना या नावत ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, पावे अपना से अपना या नावत ज्ञान, यानी हम स्वयं को देखें, यह एक साधना है। अब हमें स्वयं को देख पाना कितना कठिन है, आंखों से आंखों को देखना है कितना कठिन है ना, क्योंकि आंख आंख को नहीं देख सकती। आप दुनिया देखते हैं पर आंखें आंखों को नहीं देख सकती, और यहां हमें स्वयं को देखना है, तो ये कितना कठिन है। देख सकते हैं, परंतु देख सकते हैं का अर्थ यह है कि अनुभव कर सकते हैं। आंखों से हम देख नहीं सकते पर उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है इसके बारे में संतों ने बताया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है, चित्त परतोनी पाठी मोरे ठाके आणि आपणिया ते आपण देखे, देखत खेवो वोळखे मणे तत्व हे मीची, तिये वोळखीची सरीसे सुखाचिया साम्राज्य बैसे, मग आपणपा समरसे विरोनी जाय। यानी हमारा जो चित्त है, मन है, उसे अंतर्मुख करना है। अंतर्मुख, और अंतर्मुख करके किसे देखना है, स्वयं को ही देखना है। अब ये कितना कठिन है। हाँ सही है, समझे कि नहीं? क्योंकि ये आसान भी है, क्योंकि मन भी हमारा है, हम भी हैं ही, इसीलिए यहाँ पैसों का सवाल नहीं, यहाँ कष्ट का सवाल नहीं, इसके लिए कहीं जाना नहीं आना नहीं, पर इस अभ्यास को सद्गुरु से सीखना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि मैं बैठ कर करूंगी तो ऐसा नहीं हो सकता, इसे सद्गुरु से सीखना पड़ता है, क्योंकि अंत में पहावे आपणा से आपण में, आपण यानी वो ईश्वर, इस ईश्वर को अगर देखना हो तो उसे देखना कितना कठिन है, क्योंकि वह अव्यक्त है, उसे अनुभव करना यही एक मार्ग है। और इसके लिए ये ईश्वर है कहाँ, हृदय में है यह तो सब ठीक है, पर हृदय में कहाँ है, उसे देखना किस तरह से है और इसे देखे कहाँ, ये तीन बातें अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आंखें बंद की और ध्यान हो गया, ऐसा नहीं है। कई लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, लोगों को लगता है ध्यान कर रहा है पर वो ध्यान नहीं कर रहा होता है, समझे? तो असली ध्यान जो है उसके लिए आपके हृदय में जो ईश्वर है वो वास्तव में कहाँ है, हृदय में विशेषता कहाँ है, उसे देखना किस तरह से है और उसे देखने का स्थान वास्तव में कहाँ है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु वासोनी सौपड़े न सोए धरावे ते पाहे आदि आदि, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये वस्तु स्थिति है कि ये सद्गुरु ही आपको सिखाएंगे, समझे? गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, उसके सिवा आप कोई विद्या नहीं सीख सकते। और आध्यात्म विद्या तो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, पर लोगों का क्या है, आध्यात्म विद्या के विषय में गलत फहमी हो गई है, समझे? केवल ईश्वर का नाम लीजिए तो हो गया अध्यात्म, कहीं पोथी पढ़ ली हो गया अध्यात्म, कहीं सीधा आड़ा तिलक लगा लिया हो गया अध्यात्म, ये तीर्थ यात्रा की हो गया अध्यात्म, इसे अध्यात्म नहीं कहते। असल में जो अध्यात्म है वो भिन्न है। और इसलिए ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास महत्वपूर्ण है, परमार्थ की साधना में अभ्यास महत्वपूर्ण है। और इस अभ्यास में समाधिस्थ होना नहीं पड़ता बल्कि समाधिस्थ हो जाते हैं, समझे? और इसलिए समाधि लगने के लिए जो विविध विविध साधनाएं हैं, बहुत साधनाएं हैं, पर उनमें सर्वश्रेष्ठ साधना यानी नामस्मरण। अब नामस्मरण में भी दो प्रकार हैं, एक केवल ईश्वर का नाम लेना, यानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस प्रकार का नाम लेना, यह एक प्रकार है। और श्री राम जय राम जय जय राम बोलते समय ईश्वर के पहले, जैसा बताया, ईश्वर पर ध्यान लगाना, उसे ईश्वर स्मरण कहते हैं। नाम स्मरण और ईश्वर स्मरण में भी फर्क है। नामस्मरण में आप स्मरण नाम का करते हैं और ईश्वर स्मरण में नाम के आधार पर ईश्वर का स्मरण होता है,
समझ में आया कि नहीं? और इसलिए ईश्वर स्मरण महत्वपूर्ण है। नामस्मरण के द्वारा ईश्वर स्मरण तक हम पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए भी सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु सद्गुरु से ही अनुग्रह लीजिए, ऐसा कहा जाता है। उसका कारण यही है कि सद्गुरु आपको सिखाते हैं कि सद्गुरु यानी संक्षिप्त में कहें तो सद्गुरु के पास उन्होंने की हुई मेहनत है, कष्ट है, उनकी साधना है, उन्होंने किया हुआ अभ्यास है, ये सब कुछ शिष्य को अपने आप प्राप्त होता है। गुरु बनाने के लाभ क्या ये होते हैं। अब एकाध मनुष्य कहेगा कि मैं स्वयं ईश्वर की प्राप्ति कर लूंगा, उसे कितने जन्म लगेंगे और इतना करने के बाद भी उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, और इसलिए उसे किसी का मार्गदर्शन जरूरी है। मार्गदर्शन होगा तो वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अब आप यहाँ बोरीवली हमारे कार्यालय तक पहुंचने के लिए आप कहेंगे कि मैं किसी से पूछूंगी नहीं, तो आप पहुंच ही नहीं सकेंगी यहाँ। हाँ, सही है। पर आपने 4-5 लोगों से पूछ लिया, इससे उससे उससे, वो कहेगा इस तरफ जाए, दूसरा कहेगा इस तरफ जाइए, फिर इस तरफ जाए, हो गया, आप तुरंत पहुंच गए। यानी मार्गदर्शन का जो लाभ है वो अप्रतिम है, और इसके लिए सद्गुरु जरूरी है। पर आज क्या होता है, सद्गुरु जो है वो उदी भस्म धूप दीप पाद्य पूजा अभिषेक वगैरह वगैरह चीजों में लोगों को उलझा देते हैं। तीर्थ यात्रा कीजिए, ऐसी बातों में उलझा देते हैं, समझे? वास्तव में इनमें उलझने का कोई भी कारण नहीं है, उन बातों का और इसका कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर से इन बातों का वास्तव में कोई संबंध नहीं, समझे? इसलिए संत तुकाराम जी ने कहा है, करावी ही पूजा मनेची उत्तम लौकिका से काम काया से। आपको ईश्वर की पूजा करनी है ना, मन से कीजिए ना, उसमें लौकिक का कोई सवाल ही नहीं है। और इसलिए जीवन विद्या में जो भी कुछ सिखाया जाता है उसमें लौकिक का कोई भाग नहीं है, और अगर है भी तो मात्र 1%। जो भाग है वो सारा करावी है पूजा मनेची उत्तम ऐसा है। तो ये जो भाग है उसमें ईश्वर को देखना कैसे, कहां, और ईश्वर का वास्तव में स्थान कौन सा है, ये सब सद्गुरु के सिखाने के बाद आपका ध्यान शुरू होता है। और ये ध्यान शुरू होता है का अर्थ क्या है कि अनुबोध होने लगता है। अनुबोध किस बात का होता है, हमें जिस बात का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसका हमें अनुबोध होता है। अब इसका आपको अनुबोध होगा कि नहीं, ये ग्लास है, इसका आपको अनुबोध हो सकता है, समझे? यदि यहाँ ग्लास नहीं है तो किस चीज का अनुबोध होगा। यानी अनुबोध होने के लिए भी आपको अनुभव होना जरूरी है, उसे देखना चाहिए तो आपको उसका अनुबोध हो सकता है। तो पहले अनुबोध होना, यानी सबसे पहले उसकी पहचान होना, ईश्वर की पहचान होना। वो पहचान होने के बाद आप उसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करते 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 सहवास होता है। सहवास होते 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 उस हृदय में वास है, इसका हमें एहसास होता है, वास है इसकी अनुभूति हमें होने लगती है, और फिर वो धीरे धीरे ईश्वर से एक रूप होता है। ईश्वर से एक रूप होता है यानी क्या, कि ईश्वर ही शेष रहता है और मैं का क्षय हो जाता है, समझे? देव पहावया गेलो तेथे देवची होउनी ठेलो, तुका मणे धन्य झालो आजी विठ्ठला भेटलो। यानी ईश्वर को देखने गया और वो स्वयं ही ईश्वर हो गया। अब तुकाराम महाराज का अभंग है, पिकलिया शेंदे कड़ूपण गेले तेणे झाले, पिकलिया शेंदे कड़ूपण गेले, उन्होंने ऐसा कहा है, फल जो है वो पक जाने के बाद मधुर हो जाता है। पिकलिया शेंदे कड़ूपण गेले तैसे आमा केले पांडुरंगे, वैसा हमें पांडुरंग ने बना दिया कि हमारी सारी कड़वाहट दूर हो गई। जीव होने तक जो कड़वाहट थी वो दूर हो गई, अब हम शिव हो गए और मधुर हो गए, आनंद ही आनंद। पिकलिया शेंदे कड़ूपण केले तैसे आमा केले पांडुरंगे, काम क्रोध लोभ निमाले ठाई जी सर्व आनंदाची सृष्टि झाली, आठव नाठव गेले भावा भाव झाला स्वयमेव पांडुरंग, तुका मणे भाग्य यानावे मणिजे संसारी जन्मीजी याची लागे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आठव नाठव गेले भावा भाव झाला स्वयमेव पांडुरंग, यानी मैं स्वयमेव मैं पांडुरंग बन गया, यानी ईश्वर को देखने गया और मैं स्वयं ईश्वर हो गया। मैं शेष बचा ही नहीं, सिर्फ ईश्वर ही है, मैं शेष ही नहीं रहा, शेष रहा वो सिर्फ ईश्वर है। इसलिए एक जगह तुकाराम महाराज ने कहा है, देह नवेमी हे सरे उरला उरे विठ्ठल, ये उरला उरे विठ्ठल जो है वही शेष रहता है, बाकी मेरा क्षय हो जाता है।
ऐसी अवस्था हो जाती, ये समाधि यानी संजीवन समाधि। ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने भीतर वो ईश्वर को देखता है और बाहर भी ईश्वर को देखता है, दोनों तरफ वो ईश्वर को ही देखता है। अब अपने भीतर जिस ईश्वर को देखता है ना, उसी ईश्वर को बाहर भी देखता है, समझे? क्योंकि भीतर जो है वही बाहर है और बाहर है वही भीतर है, और इसलिए उसे दोनों तरफ देखना संभव होता है, और इसे ही संजीवन समाधि कहते हैं, चलती फिरती समाधि, समझे? अब इस समाधि को प्राप्त करना है तो उसके लिए सद्गुरु जरूरी है। अब सद्गुरु से ज्ञान लेना है या नहीं लेना है ये तुम्हें तय करना है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। असली समाधि क्या होती है इसकी जानकारी अभी हमने प्राप्त की। अधिक ज्ञान के लिए जीवन विद्या का अभ्यास करें। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद हो, ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण।